क्या बताया था मैंने, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 डिग्री होगा तब तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर ए की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, उस केस में आप साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन टू की वैल्यू ऑलमोस्ट ये इक्वल होगी डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन टू और साइन ए बाई टू की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी ए बाई टू के ऑलमोस्ट इक्वल होगी। तो अगर रिप्लेस करें उस फॉर्मूले में म्यू टू वन इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू की जगह अगर डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू से रिप्लेस करें और साइन ए बाई टू से रिप्लेस करें ए बाई टू को तो ये हो जाएगा टू टू कट जाएगा म्यू टू वन इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन ए हो जाएगा, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू म्यू टू वन इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए, ए को लेफ्ट साइड भेज दें तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू ए इंटू म्यू टू वन माइनस ए माइनस ए, ए कॉमन ले लें तो म्यू टू वन माइनस वन होगा। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आई ए ब्रैकेट में म्यू टू वन माइनस वन। ये रिलेशन कब यूज़ होगा, ये रिलेशन तब यूज़ होगा जब एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री के इक्वल हो, तभी ये फार्मूला आप यूज़ करोगे। अदरवाइज आप ये फार्मूला यूज़ करोगे कब, जब ए की वैल्यू मोर देन 10 डिग्री या इक्वल टू 10 डिग्री हो।